नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद विपक्ष सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है, तो वहीं सरकार और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा छात्रों के धरने में असामाजिक तत्वों के लोगों के शामिल होने की बात की गई है। और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सरकार को वार करते हुए सरकार पर कहा है साफ तौर पर कि छात्रों के धरने को खत्म कराने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ही लाठीचार्ज किया गया। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि छात्रों के आंदोलन में असामाजिक तत्व थे, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे और छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी ने इस षड्यंत्र को रचा। पथराव करने वाले छात्र नहीं है बल्कि भाजपा के भेजे गए लोग थे और भाजपा ने पुलिस से कहा कि पत्थर चलाने वाले लोग आ रहे हैं। असामाजिक तत्व थे तो एबीवी के थे, विद्यार्थी परिषद के लोग थे। स्टूडेंट्स के मूवमेंट को तोड़ने के लिए भाजपा ने ये षड्यंत्र रचा और पथराव किया। पथराव करने वाले जो परीक्षारत और दूसरे नौजवान है वो नहीं है। अब उनको उनका मूवमेंट जब बल पकड़ने लग गया तो भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक अपने लोग वहाँ भेजे और पुलिस से कहा तुम रिटेलिएट करना, जैसे ही आएगा आपको पुलिस बैंड के वो आ रहे हैं जिनके हाथ में गुम्बे हैं पत्थर चला रहे हैं। इसमें दोनों तरीके के संदेह है। एक संदेह यह है कि भाजपा का एक हिस्सा इसमें सम्मिलित था जो श्री धामी को बदनाम करना चाहता है, ये भी हो सकता है। और ये भी संभव है कि छात्र आंदोलन को भी मूवमेंट को भी तोड़ने के लिए सहयोग किया। आप अगर वीडियो को देखें लाठीचार्ज कब हुआ, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, उन वीडियो को जूम करके आप देखें, दो पुलिस वाले पत्थर उठा रहे हैं, एक वो पत्थर उठा के पीछे जाते हैं, एक सब इंस्पेक्टर एक लड़की को जोर से उसके पैरों में डंडा मारता है, उसके पैर में डंडा लगा वो चीखती है, उसके बाद एक लड़के के घुटने में डंडा मारता है और फिर लाठीचार्ज हो जाता है। इस बीच वो दो पुलिस वाले जो पत्थर उठा के ले जाते हैं वो पीछे से पुलिस पे पत्थर मारते हैं और तब पुलिस लाठीचार्ज करती है। लड़कियों के हाथ में पत्थर तब है जब लाठीचार्ज हो गया, बहुत बाद में शुरुआत किसने पत्थर डालने की है, ये सुनियोजित प्लानिंग थी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जोशीमठ क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक जैव विविधता से भरी पंचम केदार कल्पेश्वर धाम की भूमि में कल्प घाटी उर्गम की ग्राम पंचायत देवग्राम के उपगांव गीराबासा देवग्राम को जोड़ने वाली सड़क को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। और धरने के दूसरे दिन क्रमिक अनशन जारी रहा और दूसरे दिन के क्रमिक अनशन में ही प्रधान संघ अध्यक्ष जोशीमठ पूर्व प्रधान सरस्वती देवी पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अभी जीत प्रकाश ने समर्थन दिया। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक गीराबासा सड़क पर कार्य शुरू नहीं होता तब तक अनशन जारी रहेगा और कंडकती ठंड में ही कड़कड़ाती ठंड में ग्रामीण धरना स्थल पर डटे रहेंगे। देखिए, जो ये खबला से और भेटा भरकी होते हुए जो जिस सड़क ने कल्पेश्वर होते हुए गीराबासा जाना था, विगत दूसरा दिन आज गीराबासा के महिला मंगल दल और युवक मंगल द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है और हम इसका समर्थन करते हैं। और निश्चित तौर पर विगत पिछले 3 वर्षों से जो इस सड़क पे जो कार्य निर्माणाधीन है उसमें गीराबासा के लोगों के स्थानीय लोगों की मांग ये है कि हमारे गीराबासा के लिए भी सड़क कार्य कटिंग प्रारंभ हो, लेकिन विभाग द्वारा लगातार इनको गुमराह किया जा रहा है और ठेकेदार द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि हम 1 महीने बाद कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन विगत 3 वर्षों से जब इस पे कार्य नहीं हो पाया तो आज मजबूरन गीराबासा के महिला मंगल और युवक मंगल को यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है और उन लोगों की मांगें यही हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी सड़क कार्य प्रारंभ हो और विभाग लगातार इनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो सब लोगों की यही मांगे हैं कि जब तक कार्य इस सड़क पर शुरू नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन बना रहेगा। मेरा नाम श्रीमती सरस्वती देवी जी, पूर्व प्रधान जी, जो कि विकास का वास्ते हर हम बहुत पापड़ बेलिए गोपेश्वर भी सारी जगह हमारे गाँव में बोल विकास होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बड़ मुश्किल से पहुँचे से कल्पेश्वर धाम तक तो हम गेरा बांसा छोटी सो भी हमारे जोन चाहिए अवश्य जोन चाहिए क्यों हमारी महिलाओं बहुत परेशानी होनी चाहिए। कखा आधा गांव जुड़ी तो आधा गांव जुड़ी ने
तो महिला को बात बहुत परेशान, महिला ही आजकल जब होना चाहिए महिला लोग आगने आओ आगने आओ, तो क्या फायदा जब हम महिला कोई सुविधा नहीं दे। तो हम मंगल दल में, मेरा नाम है राजेश्वरी और हम धरणमा से हो, हम गिरा बांसा महिला मंगल दल से, और हम रोड मांग पूरी नहीं होने हम यो धरणमा बैठे से, तो हम जो रोड मिलने रोड होने। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नारायण बगड़ का वार्षिक उत्सव रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया और नन्हे मुन्ने बच्चों की शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति थी उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इससे पहले पूर्व विधायक श्रीमती शाह ने अपने विधायक निधि से निर्मित किए गए दो कक्ष का ही लोकार्पण किया और अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कह दिया कि विद्या भारती के संचालन में चल रहे सरस्वती शिशु मंदिर अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को सकारात्मक बनाता है। प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव होता है, विगत दो वर्षों में ये वार्षिक उत्सव नहीं हो पाया। शिक्षा के साथ साथ हम ये शारीरिक मानसिक बौद्धिक संगीत जो हमारे आधारभूत विषय हैं उन विषयों का हम अपने भैया बहनों को विद्यालय में उसका अभ्यास कराया जाता, उसका ज्ञान दिया जाता। आज हमारा जो वार्षिक उत्सव था इसमें सारे कार्यक्रम हमारे भैया बहनों ने प्रस्तुत किए, इसमें योग, हमारे संगीत, हमारे नाटक, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, डांडिया इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने प्रतिभाग किया। और हमारे जो अतिथि लोग आए थे उसमें माननीय पूर्व विधायिका श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी। आज हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2022-23 का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें सभी बड़े छोटे भैया बहनों ने अपना प्रतिभाग लिया। इसमें हमारे आचार्य बंधु एवं आचार्य बहनों का भी बड़ा सहयोग है और ये मैं बहुत खुश हूँ इस वार्षिकोत्सव से, क्योंकि ये हमारा आखिरी स्कूल का आखिरी साल है और हमारा आखिरी वार्षिकोत्सव है, इसीलिए ये बहुत यादगार भी है। नाम महिमा रावत है। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नारायणबगर सत्र 22-23 में हमारा वार्षिक उत्सव हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा वार्षिक उत्सव हुआ और हमने इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम किए। हमें अपने जैसे साथियों को भी इसमें एकत्र किया और हमें इसमें अपने जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने चाहिए। हमारे अभिभावक अतिथिगणों ने भी इसमें बहुत प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में 2022-23 का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि हमारा अंतिम वार्षिकोत्सव है, क्योंकि हम अब इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाएंगे और वहाँ भी बहुत तरक्की करेंगे। इस पूरे वार्षिकोत्सव में हमारे आचार्य एवं आचार्य बहनों, आचार्य बंधुओं का हमें बहुत सहयोग है। हमने यहाँ लोकगीत, लोक नाच और बहुत सारे ऐसे नाच किए जो कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए थे। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में विद्यालय में ही पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही क्रियान्वित कक्षा 6-9 तक के छात्रों के लिए स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया। और स्कूल नर्सरी योजना का ही शुभारंभ खंडवी शिक्षा अधिकारी गदरपुर भस्करानंद पांडे और इसके साथ ही वन विभाग के टांडा रेंज के ही रेंजर नारायण गौतम ने ही द्वारा नर्सरी स्थान का ही फीता काट का शुभारंभ किया गया है। और इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एस के त्रिपाठी ने कहा है कि स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया। स्कूल नर्सरी योजना इस कार्यक्रम का नाम है और हमारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये योजना क्रियान्वित है और इसके अंतर्गत जो है कुछ विद्यालय चयनित हुए हैं और उन विद्यालयों के अंदर बच्चों को इसकी जो मेन थीम है कि पौधे उगाओ पौधे लगाओ, ये इसकी मेन थीम है। तो पौधों को उगाना भी विद्यालय के अंदर ही एक नर्सरी तैयार करके पौधों को उगाना है। बच्चे इसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे
कि बीज जब उसमें बोया जाता है और उससे लेकर के जब पेड़ हमारा बन तैयार होता है, इस बीज की पूरी प्रोसेस क्या है, कितनी मिट्टी होगी, कितनी खाद होगी, उसका रेशियो क्या होगा, उसमें जो है किस प्रकार से हम बीज का रोपण करेंगे और वो फिर किस प्रकार से जो है पौधा बन के तैयार होगा, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, पर्यावरण को जो है उससे क्या फ़ायदे होंगे, ये सब सारी बातों को प्रैक्टिकल के रूप में बच्चों को जो है यहाँ पर स्कूल में नर्सरी स्थापित करके और उसके बाद में बच्चे इसका अवलोकन करेंगे। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शादियों का सीजन है और अगर आप भी बारात में बीच सड़क पर डांस करने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसी घटना के वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें बारात में नाचने का शौक रखने वालों का दिल दहल जाएगा। थाना बहादुराबाद थाने के ही सरदार फार्म हाउस में ग्राम बेलड़ा से ही बारात आई थी और बारात के जो घुड़चढ़ी के साथ ही दौरान बताया जा रहा है कि धुन पर डांस कर रहे बारातियों को वहां से तेज रफ्तार से गुजर रही स्कॉर्पियो ने ही रौंद दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद बारातियों ने आसपास के लोगों से स्कॉर्पियो को रुकवाया है और जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार चालक को पूरी तरह से पीट डाला, जिसको मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल से बचाया है और टक्कर में घायलों को उपचार जिला अस्पताल के लिए भर्ती कर दिया है। और वहीं आपको बता कि दो बारातियों की हालत गंभीर होने के चलते उनको हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के ही सितारगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रामलीला मैदान और नगर पालिका परिषद में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आपको बताते चले कि पंडित दीनदयाल की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ उनके बताए मार्ग का चलने पर ही उनके मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जयंती नहीं, निर्वाण दिवस है। आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी तो पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में उनका निर्वाण दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाया जाए। तो इसी क्रम में आज सितारगंज में यहाँ वार्ड नंबर 9 का ये नगर पालिका के पार्क में, दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और इसको समर्पण दिवस के रूप में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। देहरादून मार्ग पर मौजूद केंद्रीय भंडारण निगम का एक गोदाम आग की चपेट में आ गया और रात 11:30 बजे ही आग लगने की सूचना मिली तो अग्निमिशन ने सूचना दी गई और इसके साथ ही बता दें आपको कि जहां पर दमकल विभाग के वाहन नहीं पहुंचकर लगातार आग बुझाने का प्रयास किया। आग की घटना लगातार बढ़ता देख ऋषिकेश के ही रायवाला थाना पुलिस ने सूचना कर ही देहरादून और हरिद्वार सेंटर के अग्निमिशन वाहन को भी मौके पर बुलाया। 3 घंटे चली कड़ी मशक्कत के बाद ही और 1 दर्जन से ऊपर अग्निमिशन के वाहन आग पर बुझाने में लगे रहे और 3 घंटे की लगातार कड़ी मशक्कत के बाद अग्निमिशन कर्मी ने ही अपनी जान पर खेलकर भंडार गृह की आग बुझाने का प्रयास किया। 10:30 बजे ये आग लगी है, क्या कारण, कुछ कारण और सर्किट के वजह से, बाकी और कोई यहाँ तो कोई अंदर तो कोई ऐसा कोई वो नहीं। वो किसको सूचना दी, कितनी देर में? उन्होंने गार्ड ने दी सूचना, वहाँ के गार्ड ने। तो कितनी देर जैसे अब ये एक घंटा बोले, 1 घंटे के बाद वो आई। आप हिलवेश कंपनी के गार्ड? हाँ जी। वो आग कहाँ पर लगी है? आज कंस्ट्रक्शन कंपनी में, उसमें गेल इंडिया के, वो उसमें भंडारण, केंद्रीय भंडारण है इनका। इधर देखिए लाइट, इधर आगे आग जल रहा है, यहाँ पे आए तो 2-3 पुलिस वाले थे यहाँ पे और 1 घंटे के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई। पुलिस वाले से पूछे भाई फायर ब्रिगेड कब ले जा रही है, तो बोले क्या जाम में फंसा हुआ है, रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ है। बोले जब तब तक आग का बहुत ज्यादा विशेष रूप धर लिया था ये, और यही सब देखे आग बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है आग।
ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान ही छात्र छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। मौके पर पुलिस की हेल्प लेने के लिए मोबाइल में गोरा शक्ति ऐप डाउनलोड करने के लिए जागरूक किया गया और छात्र छात्राओं को जागरूक करने पहुंची ऋषिकेश कोतवाली की महिला सब इंस्पेक्टर सोनल और सब इंस्पेक्टर हेमलता महिला डेस्क रेखा राणा ने मिलकर ही जानकारी देते हुए बताया है कि शहर के सभी स्कूलों में जाकर ही पुलिस छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है और पुलिस के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। पुलिस का यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। स्कूल में हमने एक जो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से गोरा शक्ति ऐप के बारे में और जो लड़कियों के और महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के बारे में उनको जागरूक करने के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप रखी थी, तो उसी के बारे में हम भरत मंदिर इंटर कॉलेज में बताने के लिए आए थे। जिस तरह से क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, उसके लिए हम सारे स्कूल्स में गोरा शक्ति ऐप जो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लॉन्च हुई है, देवभूमि ITF टाइक्वांडो एसोसिएशन सभी स्कूल्स में टाइक्वांडो ट्रेनिंग दे रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें आपको कि खबर ऋषिकेश से है जहां पर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड ने दावेदारी की है और COVID-19 के बाद उत्तराखंड में भी वायरोलॉजी लैब शुरू करने की मांग तेजी के साथ उठने लगी है। उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। ऋषिकेश एम्स के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर जितेंद्र गैरोला लगातार सरकार से उत्तराखंड की पैरवी कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही साइड निरीक्षण की बात कही गई है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक ICMR का ही संस्थान है और ICMR का कोई भी संस्थान अभी तक उत्तराखंड में स्थापित नहीं किया गया है। तो अगर ये हमें मिलता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में नए नए, ये कह सकते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज है हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स की, और हम अगर हमारे को ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलता है तो कहीं ना कहीं शोध की, स्पेशली जो नए एंटीवायरल ड्रग्स है, एजेंट्स है या वैक्सीन के क्षेत्र में हम कुछ नई रिसर्च कर सकते हैं। और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि हमारे पास ICMR का सारे स्टेट्स में सेंटर है, तो NIV अगर हमें मिलेगा तो एक प्रदेश के लिए उपलब्धि होगी। हाँ, हमारी टीम इसमें पिछले लगभग 2 महीने से सक्रिय है। जैसे हमारे संज्ञान में विषय आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 4 नए जोनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एस्टेब्लिश करना चाह रही है, तो हमने अपना अपने स्तर पर अपनी टीम के माध्यम से अपनी सोसाइटी के माध्यम से पत्राचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि साइट एलोकेशन जल्दी होगी। ऐसा हमें लगता है कि जैसे हमने आगे जहां जहां पत्र भेजे उनके पत्राचार और उनके कन्वर्सेशन से हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हमें संस्थान मिल सकता है। खबर उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से है जहां स्थानीय रामलीला मैदान में पिछले 37 दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला चिकित्सालय की बदहाल स्थिति को सुधारने विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा उपकरणों की मांग को लेकर आंदोलन के तहत धरना दिया जा रहा है। और इसी बीच गैरसैंण में ही भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक भी चल रही है, तो वहीं आंदोलनकारियों ने स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क साधा तो दोनों जनप्रतिनिधियों ही उनके बीच आने जाने आश्वासन दिया है, और लेकिन कार्यसमिति की बैठक के चलते वे समय से आंदोलनकारियों के बीच नहीं जा सके। ग्राम छत्तीसगढ़ गांव सातपुर क्षेत्र गैरसैंण उत्तराखंड से हूँ और मैं अपने महिला मंगल दल की कोषाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले गैरसैंण पे इसीलिए पधार चुकी हूँ कि मैं सभी महिलाओं सभी मातृ शक्तियों से ये अनुरोध करती हूँ कि हमें जिस चीज़ की तलाश है, जिस चीज़ की से हम इतना परेशान हैं कि हमें हॉस्पिटल के लिए इतना तरसना पड़ता है, एक अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमें यहाँ से भेजा दिया जाता है, ये नहीं पूछती सरकार की तुम्हारी समस्या क्या है, तुम किस परिवार से हो, तुम कितने गरीब घर से हो या तुम्हारी समस्याएं क्या है, लेकिन वो लिख के दे देते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और अपना इलाज करो। कभी ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास गाड़ी का भी है या नहीं है, लेकिन हम कई महिलाएं ऐसा है कि जो कि हम यहाँ पे आकर कई बहनें हमारी ऐसी है यहाँ पे जिन्होंने अपना अलविदा पपाई यहीं पे कर दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया। हम इसीलिए सब शक्तियों से मेरा
हमारा निवेदन है कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, हम एक बालिका अधिकार के लिए, एक स्त्री के अधिकार के लिए यहाँ पे आए हैं। हम बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें सब महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है कि हम यहाँ सबसे पहले अपने हॉस्पिटल की मांग, हमें हॉस्पिटल तो है, हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पे सार्जन की जरूरत है। लेकिन हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और सेजस्वी दिन यहाँ पे हम लोग लगातार सारी महिला मंगल दल यहाँ पे प्रेजेंट हैं और एक एक करके सारे गांव के सारी महिला मंगल दल यहाँ पे उपस्थित हो रही है और अपने समस्या दे रही है। समस्या उनकी एक ही है, सबकी एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं है। सारे हॉस्पिटल तो बना दिया है लेकिन हॉस्पिटल में न डॉक्टर है, न बाल चिकित्सक है, न कोई रोग हड्डी विशेषज्ञ रोग है, ना हमारे हॉस्पिटल में वो है अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये सारी मांगे हमारी अधूरी पड़ी है अभी तक ना सरकार का इसमें कोई निर्णय नहीं आया कि आगे क्या होना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम लोग सब अभिज्ञ हैं। अभी तक हमको इसकी जानकारी नहीं मिली है सरकार की तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती सरोज साहब, मैं गैरसन से हूँ और आज जो 37 दिनों से जो हम लोगों का धरना चल रहा था, फिलहाल हम लोगों ने इसको स्थगित कर दिया है। कल यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी पहुँचे हुए थे और माननीय अनिल नौटियाल जी आए हुए थे, उन लोगों की यहाँ पे कार्यशाला चल रही थी और कल भारी संख्या में करीब 1200 महिलाएँ यहाँ पे आई हुई थी कि हमारे बीच में माननीय विधायक जी और माननीय मंत्री जी पहुँचेंगे, लेकिन वो लोग हमारे बीच तो नहीं पहुँच पाए। लेकिन उसके बावजूद कितना हम लोग इंतज़ार करते हैं, उसके बावजूद हम लोग वहीं पे गए जहाँ पर उन लोगों की कार्यशाला चल रही थी। उसके बावजूद बड़ी मशक्क़त करने के बावजूद हमारी मंत्री जी से वार्ता हुई और मंत्री जी ने बोला है कि जुलाई तक यहाँ पे उपजिला अस्पताल का पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा, सारे यहाँ पे कर्मचारी आ जाएंगे, सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे और अगर जुलाई तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे और 3 महीने तक के लिए हमने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है मंत्री जी के आश्वासन पर। और महिलाओं ने अपना बहुत बड़ा साथ दिया है, गैरसैंण की महिलाएं अब बहुत जागरूक हो चुकी हैं, अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ना जानते हैं। चंदौली जिले की कार्य समिति में आ रखे हैं और इस कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय विधायक हैं, आगे जब मैं पिछले 3 महीने पहले आया था तो उन्होंने यहाँ पे एक उपजिला चिकित्सालय की डिमांड हमसे की थी। आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसका विधिवत जो है भूमि पूजन कर दिया है और जो जो भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे होगा, चाहे हॉस्टल चाहे होगा, चाहे डॉक्टरों के लिए आवास चाहे होंगे, चाहे अल्ट्रामशीन चाहे होंगे, चाहे एक्सरे मशीन चाहे होंगे, चाहे डॉक्टरों की नियुक्ति होंगे, हमारी सरकार गैरसैंण में पर्याप्त जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी आपने परसों मुझे फ़ोन किया था, हमने यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी दे दी है। डॉक्टर भी 60 डॉक्टर हमने यहाँ पे भेज दिए और अभी मार्च में जैसे 30 मार्च को 350 डॉक्टर जो है पास आउट हो जाएंगे तो पूरे चमोली जिले को हम लगभग 50 नए डॉक्टर और देने वाले हैं। बद्रीनाथ में भी हम 50 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि चार धाम यात्रा में किसी को कोई दिक्कत ना हो। पौड़ी में एक 10 साल की नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 युवक बीती शाम को एक 10 साल की नाबालिग के घर पहुंचे थे लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर डाला और घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ही दोनों अभियुक्तों को परिजनों की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया है। 2 लड़कों की मुलाकात इस लड़की से जो है इंस्टाग्राम से हुई थी और ये दोनों लड़के जो है इसको लेके आए थे, यहाँ मिलने आए थे उनके घर पे और घर वालों को कुछ ऐसे पता लगा कि ये कुछ लड़के नायाब स्थिति में है तो उन्होंने लड़की को जो है लड़की के साथ में इसको जो है पकड़ लिया, घर में बंद कर दिया जो है और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस सूचना के बाद जो है पुलिस इसको पकड़ के ले गई, इनके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इन्हें जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
जनपद पौड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत सभी विभागों के अधिकारी अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार ही 12 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचेंगे और जिला प्रशासन की ओर से सीएम के 12 और 13 फरवरी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।